हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को बताएंगे कि ओबीएससी डॉट ट्रेन कैसे ओपनिंग करते हैं। ये आपका डोर है, कैबिन का लॉक था, इसको ओपन किया। अब इसको अंदर पे क्या क्या चीज़ इसमें कैबिन के अंदर रहता है वो आपको बता देता हूँ। और ये तुम्हारा 6040 का मॉडल है और ये 5 टन का क्रेन है, 6040 का 5 टन का क्रेन। ये क्रेन केबिन के अंदर आपको लेवर मिल जाते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, दो लेवर मिलता है। लेफ्ट साइड का जो लेवर रहता है उसका पीछे एक इमरजेंसी स्विच रहता है, जिसको केबिन पे आके आप पहले इसको क्लोज रहता है, जब आना तब इसको ऑन करना, उसके बाद आप स्टार्ट अलार्म को दबाना तो आपको क्रेन स्टार्ट होता। और आपको लेफ्ट साइड में जो लेवर है उसका पीछे आपको स्लो ब्रेकिंग का एक स्विच रहता, जिसको आप जब कोई जगह का लोड उठा रहे हैं उसको एक एक जगह खड़ा करने के लिए इसको ब्रेक को इस्तेमाल करना। अब ये जो लेवर है ये कैसे काम करते हैं, क्या काम करता है इसको आपको बताएंगे। उसको सामने, ठीक सामने देखो, इधर पे 80% मोमेंट है, 50% 100% और ओवरलोड। ये जो इंडिकेटर है ये आपको ये बताता है जो आपको जो लोड है वो कितना तक आ रहा है, ठीक है। जो राइट साइड का जो लेवर है एक ये तीन फंक्शन है, 1 2 3, ये तीन आगे का है और तीन आपको पीछे का मिल जाता है लेवर, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये जो लेवर ये काम करते हैं, जो हुक है आपका, जो हुक है ये आपको डाउन हाइट करने के लिए, जब आप चला रहे एक नंबर दो नंबर करके इसको चला सकते, तीन नंबर मतलब फुल स्पीड में इसको डाउन हाइट कर सकते। और जो लेफ्ट साइड में जो लेवर मिल जाता है ये काम करते हैं ट्रॉली को आगे पीछे करने का काम करते हैं। इसका ट्रॉली में दो ही फंक्शन है, एक नंबर और दो नंबर, दो ही फंक्शन है। आगे का दो फंक्शन, पीछे का भी सेम प्रोसेस, दो फंक्शन है। और इसको साइड में, राइट साइड में आप दबाएगा तो राइट साइड स्विम करेगा, जो राइट साइड है ये राइट साइड को 1 2 3 4, चार फंक्शन राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी चार फंक्शन है। ये काम क्या करते हैं, ये जब लेफ्ट साइड का जो ये लेवर है इसको जब राइट दबाएगा तो वो अब स्विम होता, वो जो आपको जो बूम देख रहे हैं वो बूम स्विम होता, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर तक इसको गियर है, जिसको इस फुल स्पीड में आपको ऑपरेटिंग कर सकते हैं। और उसका साथ साथ जब ये ब्रेकिंग सिस्टम लॉक रहेगा तब ये स्विम काम नहीं करता। ये ब्रेकिंग को क्लोज ओपन करना, स्लो में डालना, तब आपको स्विम को काम करेगा। देखिए अभी स्विम चालू हुआ। अभी दोस्त ये वीडियो में इतना ही है, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएगा जो ये हुक है उसको झोल कैसे कंट्रोल करता है, इसका झोल को कैसे कंट्रोल करता है, और इसके जो पैनल बोर्ड है वो कैसे वर्किंग करता है, उसको पैनल बोर्ड में क्या है उसको कैसे वर्किंग करता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।